कि पहले तिमाही में सातवें हफ्ते तक बेबी की दिल की धड़कने कम रहती है, तो ये क्या दर्शाता है? मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 इयर्स। जब हम कंसीव होते हैं तो डॉक्टर हमें सातवें हफ्ते तक सोनोग्राफी करने के लिए कहते हैं, और सातवें हफ्ते की जो सोनोग्राफी रहती है वो बेबी की दिल की धड़कनें जानने के लिए होती है। जब बेबी की दिल की धड़कनें शुरू हो जाती है, इसका मतलब है हमारे बेबी की ग्रोथ अच्छी तरह से हो रही है और हमारा बेबी स्वस्थ है। लेकिन कभी ऐसे भी होता है कि उस दौरान बेबी की धड़कनें शुरू ही नहीं होती, या कभी कभी होती है लेकिन वो बहुत ही स्लो रहती है। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पहले तिमाही में सातवें हफ्ते तक बेबी की दिल की धड़कनें कम रहती है, तो ये क्या दर्शाता है? बेबी की दिल की धड़कनें कम रहना, इसको हम फीटल ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। आमतौर पर देखा जाए तो बेबी की दिल की धड़कनें पांचवें से सातवें हफ्ते तक शुरू होती है। किसी की पांचवा हफ्ता पूरा होने के बाद शुरू होती है, किसी का सातवा हफ्ता पूरा होने के बाद। लेकिन बेबी की दिल की धड़कनें ये पांच से सात में शुरू हो जानी चाहिए, जिनका पीरियड साइकिल नियमित रहता है। कभी ऐसे भी होता है हमारा ओविलेशन लेट होता है और इसीलिए हमारे बेबी की दिल की धड़कनें लेट सुनाई देती है। शुरू में बेबी की ये दिल की धड़कनें थोड़ी स्लो रहती है, यानी कि 120 से 140 तक रहती है। जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होने लगती है वैसे वो 160 170 तक भी पहुंच जाती है। इसीलिए पांचवें हफ्ते से लेकर सातवें हफ्ते तक बेबी की दिल की धड़कनें 120 टू 140 तक रहती है, तो वो नॉर्मल कहा जाता है। जब ये 100 से नीचे रहती है तो वो कम कही जाती है, जिसको हम फीटल ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। जब ये बहुत ही कम रहती है, यानी 70 से भी कम रहती है, तो वो एक्सट्रीम ब्रैडीकार्डिया रहता है। जब बेबी का हार्ट रेट 70 से 100 तक रहता है तो बेबी को रिस्क होने के चांसेस लगभग 40% रहते हैं, यानी कि 40% लोगों में बेबी की दिल की धड़कनें बंद होती है। लेकिन जब पांचवें से लेकर सातवें हफ्ते तक बेबी की दिल की धड़कनें 70 से भी कम रहते हैं, तो ये दर्शाता है कि बेबी हेल्दी नहीं है, बेबी की दिल की धड़कनें कभी भी स्टॉप हो सकती है। इसीलिए जब बेबी की दिल की धड़कनें पहले तिमाही में सातवें हफ्ते तक कम होती है, यानी कि 120 से कम होती है, तो डॉक्टर आपको एक हफ्ते के बाद दोबारा सोनोग्राफी करने के लिए कहेंगे। जब हमारे पीरियड साइकिल अनियमित होते हैं तो एग्जैक्ट वीक पता करना मुश्किल होता है। इसीलिए जब शुरू में बेबी की दिल की धड़कनें कम रहेगी तो सीधा कंक्लूजन तक हमें नहीं पहुंचना है, हमें दूसरी बार एक हफ्ते के बाद सोनोग्राफी करके देखना है। जब बेबी की दिल की धड़कनें कम रहती है तो क्या हम इसे बढ़ा सकते हैं? वैसे देखा जाए तो इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन शुरू के दिनों में आप जब शांत रहते हो, स्ट्रेस फ्री रहते हो, आपको टेंशन नहीं रहता और आप आपका अच्छा डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हो और इसके साथ ही अच्छी तरह फोलेट का सेवन कर रहे हो, फोलिक एसिड का सेवन कर रहे हो, और इसके साथ ही अपना बेबी हेल्दी रहेगा, जेनेटिकली नॉर्मल रहेगा, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज नहीं रहेंगे, तो आपके बेबी की दिल की धड़कनें अच्छी हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया, सातवें हफ्ते तक बेबी की दिल की धड़कनें 100 से कम रहती है तो ये क्या दर्शाता है। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें जरूर लिखिए। तो हमारी ये प्रेगनेंसी, गायनेक, इनफर्टिलिटी, IVF रिलेटेड वीडियो जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।